तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, वीकेंड भी अच्छा होगा, संडे भी ठीक ठाक गुजरा होगा। कोरोना से भी आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, हालांकि अब पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस होने लगा कि शायद कोरोना जितना हवा देकर आया था उतनी ही तेज़ी से भाग भी गया है। लोगों के भी जो रवैये हैं या सड़कों पर भी भीड़ भाड़, दफ्तर भी अब खुल गए, सिनेमा हॉल मॉल्स, तो वापस ज़िंदगी ढर्रे पे आ रही है और नज़र न लगे ऐसी ज़िंदगी चलती रहे, सब कुछ ठीक हो, कोरोना भाग जाए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कई बार ये लाइन दोहरा चुका हूँ लेकिन फिर वही होता है कि जब आप ऐसी ऐसी कहानियों में झांकते हैं तो लगता है कि ये क्या है। कभी सोच कर देखिए कि एक फैमिली के 5 बच्चे, 5 सगे भाई बहन अचानक एक रात गायब हो जाए। जिस शहर से वो गायब हो उस शहर के बिलबोर्ड पर, होर्डिंग पर उन 5 बच्चों की तस्वीरें चिपकी हों, बाद में खबर देने वाले के लिए इनाम का भी ऐलान हो, और किसी एक शहर में 5 बच्चों की तस्वीरें 4 decades, 4 दशक यानी 40 साल तक लगी हो, लोग गुजर रहे हों पैदल गाड़ियों से और वो उस बोर्ड को देखते हो। 40 साल मतलब एक बच्चा पैदा हुआ, बचपन गया, बड़ा हुआ, टीनेज से फिर वो 30+ में गया, 40 हुआ, 40 मतलब एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है। कहते हैं 30 साल में फैशन बदल जाता है, उसी तरीके से 40 साल एक लंबा अरसा होता है। 40 साल तक 5 बच्चों की गुमशुदगी, जिनके बारे में ये पता ही नहीं है कि उनको किडनैप किया गया है, उनका कत्ल हो गया है, वो जिंदा हैं तो कहाँ हैं, मारे जा चुके हैं तो किसने मारा है, एक राज एक रहस्य 40 साल तक शहर के होर्डिंग बोर्ड्स पर उनके माँ बाप के ज़रिए वो तस्वीर, 5,000 फिर $10,000 इनाम का ऐलान। लेकिन वो 5 बच्चे धुएं का ऐसा शिकार हुए कि आज भी उनकी गुमशुदगी पर एक धुएं की परत ही चढ़ी हुई है। आज भी इस हकीकत को, इस सच्चाई को कोई नहीं जान पाया कि 5 बच्चे अचानक कहाँ गायब हो गए। कहानी अमेरिका की है, कहानी अमेरिका के एक फेयटविल, ये नॉर्थ कैरोलिना का एक शहर है, छोटा सा, बहुत ही शांत, वेस्ट वर्जीनिया में भी आता है शायद। फेयटविल 1945 की कहानी है, जब हम आज़ाद हुए उससे 2 साल पहले की। क्रिसमस की ईव थी, 24 दिसंबर 1945। इस फेयटविल के एक बड़े से घर में एक परिवार रहता था। ये परिवार था जॉर्ज एंड जेनी सोडर की। जॉर्ज जिनका अपना ट्रक चला करता था, इटली के थे, बाद में माइग्रेट होकर अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में उनकी मुलाकात जेनी से होती है जो एक शॉप ओनर की बेटी थी। दोनों शादी कर लेती हैं। शादी के बाद अगले 20 सालों में इन दोनों के 10 बच्चे होते हैं, और 20 सालों में तो जेनी और जॉर्ज दोनों खुशहाल जिंदगी। जॉर्ज का अच्छा खासा काम चल रहा था, इटली से आया था। इटली में मुसोलिनी और बाकी लोगों की राय और उनकी फिलॉसफी से वो सहमत नहीं था, वो उनके ख़िलाफ़ था। और जिस जगह पे ये लोग फेयटविल में रहते थे वहाँ पे इटली के लोगों की पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, बहुत सारे माइग्रेट होकर आए थे, तो सभी को जॉर्ज की राय भी पता थी, ख़ासतौर पर मुसोलिनी को लेकर, और वो इसको लेकर बहुत बहस भी करता था। तो धीरे धीरे इनके 10 बच्चे हुए, और ये सब हस्बैंड वाइफ और 10 बच्चे, 12 लोग फेयटविल के एक बड़े से घर में रहा करते थे। 24 दिसंबर 1945 क्रिसमस की ईव थी, अगले दिन क्रिसमस, सभी लोग फेस्टिव मूड में थे। रात 12:30 तक जॉर्ज और जेनी भी अपने बच्चों के साथ घर में, सब कुछ ठीक, बच्चों ने बहुत सारे गिफ्ट भी खोल कर देख लिए थे, कुछ गिफ्ट उन्होंने रखे थे कि सुबह देखेंगे। 12:30 बजे रात को फिर सभी अपने अपने कोने में अलग अलग फ्लोर पे सोने चले जाते हैं। इसी घर में एक ऑफिस भी बना रखा था जॉर्ज ने। 12:30 के आसपास अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग कमरों में तमाम बच्चे सो रहे होते हैं, तभी जेनी को आवाज़ आती है रात करीब 1 बजे। उसे लगता है कि कुछ जल रहा है, फिर वो देखती है उसके कमरे में धुआं उठ रहा है,
बदहवास बाहर भागती है, देखती है घर में आग लग गई। तब तक जॉर्ज भी उड़ जाता है। अब घर से धुएं और आग की लपटें उठ रही हैं। दोनों बदहवास चीखते हैं, अपने बच्चों को ढूंढते हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग कमरों में सो रहे थे। धीरे धीरे करके हर फ्लोर पर जाते हैं। इसके बाद जो उनके चार बच्चे थे, 2 साल की सिल्विया, इसके अलावा 17 साल का मैरियन, 23 साल का जॉन और 16 साल का जॉर्ज जूनियर, चार बच्चे। अच्छा, इनके जो 10 बच्चे थे उस रात इनमें से 9 ही थे। जो 10वां बेटा था इनका, सबसे बड़ा, वो आर्मी ज्वाइन कर चुका था और ड्यूटी पे था, घर में नहीं था। बाकी 9 बच्चे घर पे थे और ये दोनों मियाँ बीवी। तो बदहवास ये घर के अंदर भागते हैं, मियाँ बीवी एक एक करके बच्चे। अब चूंकि उनके बच्चे की उम्र 2 साल भी है, 5 साल भी है, 6 साल भी, 8 साल भी है, तो उन सबको एक एक कर उठाते हैं। आग की लपटें तेज थी, धुआं लगातार उठ रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह जॉर्ज हिम्मत करके और उसकी बीवी अलग अलग कमरों में अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते 4 बच्चों को बाहर ले आए। अब 4 और 2 6 हस्बैंड वाइफ, 5 अब भी गायब थे। अब इस दौरान में आग की लपटें और तेज़ हो चुकी थी। अब कैसे जाएं ऊपर की फ्लोर पे? जॉर्ज के पास 2 ट्रक वहीं घर के बाहर पार्क था। उसे आइडिया आता है कि वो एक ट्रक को लाए और उस ट्रक की छत पर चढ़कर ऊपर विंडो से अंदर घुसे और अपने बच्चों को बचाए। वो भाग के बदहवास जाता है, ट्रक स्टार्ट ही नहीं होता। जबकि सुबह उसने जब ट्रक वहाँ रखा तो बिल्कुल ठीक, लेकिन ट्रक उस दिन स्टार्ट नहीं हुआ। अब इसके बाद उसने कहा कि वहाँ पे बरसात का पानी उन्होंने स्टोर करके रखा था, तो उन्होंने कहा चलो पानी डाल के और इसको बुझाते हैं। वो पानी के पास भागते हैं, बदहवास हैरतअंगेज तौर पर देखते हैं कि पूरा पानी जो है वो फ्रीज हो चुका है, जम चुका है। इतने टेम्परेचर में, इतने तापमान में ये पानी पहले नहीं जमा था। अब ये 2 अजीब चीज़ें, फिर भी वो एक एक करके भागते हैं। इधर पुलिस फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जा रहा, फायर ब्रिगेड वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर एक बच्चा भागकर पड़ोसी को गया, पड़ोसी ने भी तब तक धुएं के और आग की लपटें देखी। एक पड़ोसी ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड की घंटियां बजती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जिस घर में आग लगी थी वहां से फायर ब्रिगेड का दफ्तर 2.5 मील की दूरी पर था, 2.5 मील। रात 1 बजे के करीब आग लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी सुबह 8 बजे आती है, 2.5 मील की दूरी पर रहते। खैर, तब तक आग बुझ चुकी थी, 4 बच्चे बाहर आ चुके थे, 5 गायब थे। और ये जो 5ों बच्चे थे, इनमें से एक मॉरिस, इसकी उम्र 14 साल, एक मार्था जिसकी उम्र 12 साल, एक लुइस जिसकी उम्र 9 साल, एक जेनी जिसकी उम्र 8 साल, और बेटी सबसे छोटी 5 साल। तो 14 साल से लेकर 5 साल तक के ये 5 बच्चे, सगे भाई बहन, आग बुझ चुकी है, घर में मिल नहीं रहे, आसपास कहीं नहीं है। अब आग में या तो जलकर इनकी मौत हो गई, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, बाद में पुलिस की टीम पहुंचती है, आग पे काबू पाया जा चुका था, अब घर की तलाशी ली जाती है। पूरे घर को छान मारते हैं, इन 5ों बच्चों में से कोई नहीं मिलता। इसके बाद बाकी टीमें भी आती हैं, चलो नहीं मिला, आग में जल गए तो कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। पूरे घर की तलाशी ले ली गई, लेकिन 5ों का कोई सुराग नहीं। यहाँ तक कि जब हर एक टुकड़े को, हर एक सबूत को उठाया गया, तो उस घर के अंदर से न तो इंसानी मांस के टुकड़े का कोई निशान मिला, न हड्डियाँ मिली, कोई सुराग नहीं मिला। अब सवाल ये कि अगर 5 बच्चे इसी आग का शिकार हो गए तो कुछ तो होना चाहिए, हड्डियाँ तो मिलनी चाहिए। इवन अंतिम संस्कार भी होता है तो कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिसको फूल चुनना कहते हैं, फिर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं। चीफ फायर ब्रिगेड के ऑफिसर से जब पूछा जाता तो कहता है कि हो सकता है आग की लपटें बहुत तेज़ थी, इसलिए कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन माँ बाप मानने को तैयार नहीं। यहीं से कहानी शुरू होती है। फायर ब्रिगेड और पुलिस कह रही है कि आग से जलकर मौत हो गई 5ों बच्चों की, लेकिन माँ बाप कह रहे हैं कि मौत हुई है तो कोई तो सबूत मिले, कोई तो हड्डी का टुकड़ा मिले, कुछ तो मांस के वो मिले, लेकिन कोई चीज़ें नहीं मिल रही। अब माँ बाप मानने को तैयार नहीं है और बच्चे गायब हैं। इस दौरान में अब घर में आग बुझ चुकी है। जो टेलीफोन लाइन ठीक करने वाला वो आता है,
तो वो बताता है उनको कि आपकी जो टेलीफोन लाइन है ये आग की वजह से नहीं ख़राब हुई है, बोला आपके लाइन को किसी ने कट किया है। अब उन्हें लगता है कि फ़ोन लाइन किसने कट किया। फिर उस ट्रक की जांच की जाती है तो पता चलता है कि उस ट्रक को जानबूझकर इस तरीके से ख़राब किया गया था कि उस रात वो ट्रक चालू ही नहीं हुआ। अब ये सारी चीज़ें किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। घर वाले परेशान थे, मानने को तैयार नहीं, लेकिन बच्चों का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब इसी दौरान ये सारे अखबारों में खबर भी छपी, तस्वीर भी छपी। तस्वीर छपने के बाद पता चला कि वहां से 50 मील की दूरी पर एक लेडी विटनेस सामने आई। उसने कहा कि उसने 4-5 बच्चों को देखा था इस हादसे जिस दिन आग लगी उसी दिन सुबह, और वो चारों पांचों बच्चे बड़े डरे सहमे हुए थे। उनके साथ 2 मेल और 2 फीमेल थी। हमने उन बच्चे प्यारे थे बात करने की कोशिश की, मेल और फीमेल का रवैया बड़ा बुरा था, तो उन्होंने हमसे बात नहीं करने दिया। और उसके बाद फिर वो लोग आनन फानन में वहाँ चले गए। एक और लेडी ने फिर एक और दूसरे होटल का हवाला दिया कि हम वहाँ रात को थे, पार्टी वार्टी थी, हमने भी वहाँ पे 4-5 बच्चों को देखा, और वो लोग एक उनके साथ भी मेल और फीमेल थे, रूम में रुके हुए थे, लेकिन सुबह सुबह वो लोग वहाँ से चले गए। कुछ ने कहा कि हमने बाकी बाकायदा गाड़ी भी देखी जिसमें उस बच्चे थे जो वो गुजर रहे थे, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर एक शहर का था, लेकिन वो कहाँ गए उसके बाद हमें नहीं मालूम। तो अब कई ऐसे दावेदार आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को देखा है, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, इधर घर में कोई चीज़ नहीं मिल रही है जिससे कुछ पता चले कि आखिर यह है क्या। माँ बाप हार मानने को तैयार नहीं, पुलिस कह रही है कि यह केस क्लोज कर दिया जाए। अब इसके बाद वो अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं। इससे पहले वो FBI को अप्रोच करते हैं, FBI से कहते हैं कि ऐसे ऐसे घर में कोई सुराग, हमें कोई तो सुराग मिले कि हमारे बच्चे मर गए हैं, कोई तो निशानियां उनके जलने की। FBI ने फिर कहा कि हम लोकल पुलिस की मदद तो कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। लोकल पुलिस के पास माँ बाप गए, लोकल पुलिस ने ज़्यादा कोई दिखाया नहीं, और फिर FBI ने इस मामले की जाँच नहीं की। फिर इसके बाद उन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंसानी बॉडी के पार्ट्स को कितने हीट में जलने पर कौन कौन से सबूत फिर भी मिल सकते हैं, और जो घर में आग लगी और जिस तरीके की आग थी उसमें कम से कम उनके बोन या एशेज में जो सारी चीज़ें मिली थी, इंसानी मांस के टुकड़े जलने के, वो बरामद होनी चाहिए थी, लेकिन कोई चीज़ नहीं मिली। तो इसका मतलब है कि वो उस घर में जले नहीं। तो फिर एक साथ एक नहीं, दो नहीं, 5 बच्चे कहाँ गायब हो गए। उन्होंने कई और लोगों को भी हायर किया, लेकिन कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर फिर उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को भी हायर किया जिसने पूरे मामले की जांच की। उसने भी बताया कि इस घर में बच्चों की मौत नहीं हुई, लेकिन फिर बच्चे कहाँ, ये उस पर रोशनी नहीं डाल सका। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, माँ बाप मायूस हो चुके थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहते थे कि या तो हमें कोई सबूत मिल जाए कि हमारे बच्चे उस हादसे का शिकार होकर मर चुके हैं तो हम सब्र कर लें, और नहीं तो फिर ये है कि वो जिंदा है, पर जिंदा है तो कहाँ है, कौन ले गया, किसने किडनैप किया। फिर उन्होंने उस शहर पे होर्डिंग लगवाई, शुरू में $5,000 का इनाम रखा कि ये 5 भाई बहन हैं जिन्हें किडनैप कर लिया गया है। उस होर्डिंग पे लिखा हुआ था, हमें ये भी पता नहीं कि वो जिंदा है कि मर गए, लेकिन अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी हो तो जॉर्ज एंड जेनी सोडर फैमिली को कांटेक्ट करें। ये होर्डिंग, ये बिलबोर्ड लगा रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद एक दिन अचानक, कई साल गुजरने के बाद, न्यूयॉर्क में जॉर्ज ने एक न्यूज़पेपर देखा जो न्यूयॉर्क से पब्लिश हुआ था, और उसने उस पेपर में जो देखा उसमें एक जो बेटी थी उस वक्त 5 ईयर्स की, एक उसमें तस्वीर छपी हुई थी, और उस तस्वीर में किसी स्कूल चिल्ड्रन का फंक्शन था, उस फोटो में वो थी, और उसने वो पहचान लिया कि ये बेटी है। जॉर्ज भागकर न्यूयॉर्क पहुंचता अपनी बीवी के साथ, बल्कि मैनहट्टन में था, और ये न्यूयॉर्क के किसी अखबार में खबर छपी थी। लेकिन उस बच्ची की पेरेंट्स जो हैं, बच्ची के पेरेंट्स, वो बात करने से मना कर देते हैं, मिलाने से मना कर देते हैं, वो वापस आ जाता है। 1949 में अब
सॉडर्स फैमिली फिर से ट्राई करती है कि हम ढूंढेंगे, क्योंकि अब उन्हें लगा कि चलो ये हो सकता गलत फहमी हो, बेटी ना कोई और हो। फिर वो पैथोलॉजिस्ट को पकड़ते हैं, उसके ज़रिए जांच कराते हैं, लेकिन उससे भी कोई सुराग नहीं मिलता। वक्त बीतता जाता है, कोई जानकारी नहीं मिल रही होती। करीब 20 साल बीत जाते हैं, 1968 की बात आती है। अब तभी जेनी सोटर को एक मेल मिलता है, मतलब एनवेलप में एक लेटर मिलता है, और वो उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। केंटकी से ये लेटर आया, लेकिन भेजने वाले ने अपना रिटर्न एड्रेस इस पर नहीं लिखा था। उस लेटर को जब खोला जेनी ने, तो अंदर एक फोटो थी, एक तस्वीर, और उस तस्वीर के नीचे ये लिखा हुआ था कि लुइस है तुम्हारा बेटा। जो 5 बच्चे गायब हुए उनमें एक लुइस भी था, जो मैंने आपको शुरू में बताया। उस वक्त उसकी उम्र करीब 9 साल थी जब लुइस ये हादसा हुआ था आग का, और अब 20 साल के बाद करीब 29 साल की उम्र थी। लुइस की तस्वीर देखते ही माँ बाप को लगा कि उन्हीं का बेटा है। क्यों? वही डार्क कर्ली हेयर, डार्क ब्राउन आईज, वैसे ही चेहरा, लुक वैसे ही। अब उन्हें लगा कि ये उन्हीं का बेटा है। अब इस तस्वीर को मिलने के बाद एक उम्मीद की रोशनी जागी कि शायद उनका बेटा मिल जाए, लेकिन अब उन्हें यह भी लगा कि जो तस्वीर जिसने भेजी है, हो सकता है वो उनके बेटे को नुकसान पहुंचा दे अगर डायरेक्ट, तो इसलिए उन्होंने किसी को बताने की बजाय खुद से इस बारे में जाकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। लेकिन केंटकी में कहीं उन्हें वो लुइस नहीं मिला। बट उन्होंने काम किया, जो बिलबोर्ड, जो होर्डिंग उन्होंने लगा रखी थी, 5 बच्चों की तस्वीर, एक नई तस्वीर आई। इस तस्वीर को आपको इस कहानी में भी दिखाएंगे जो इस लिफाफे में आया था, 20 साल बाद 29 साल के लुइस की। उस तस्वीर को भी उन्होंने बाद में उसी होर्डिंग में ऐड कर दिया, क्योंकि बचपन में ऐसा दिखता था, अब 29 साल का है तो वैसा दिखेगा। ये उन्होंने काम किया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सुराग नहीं मिला। अब इधर जैनी जो है, वक्त बीत रहा था, रिवॉर्ड बढ़ाते जा रहे थे, 40 साल से ऊपर हो गए होर्डिंग को, करीब 40 साल होने वाला था। 1945 से लेकर जब तक जिंदा रही, उन्होंने सिर्फ काले कपड़े पहने, मतलब एक माँ ने जिसके 5 बच्चे गायब हैं, और वो देखिए कि 5 गायब हैं और ये भी पता नहीं कि किसने किडनैप किया, जिंदा भी है या नहीं है, उस आग के हादसे का शिकार हुए या कोई उठा कर ले गया। बट अलग अलग जितने विटनेस मिले, उससे लगा कि कुछ ना कुछ मामले में इसमें गड़बड़ है, लेकिन सच्चाई क्या नहीं मालूम। वक्त बीतता गया, 1968 में, 68 आते आते जॉर्ज की मौत हो गई, पर उनके बच्चों का सच उन्हें नहीं पता चला। जॉर्ज के बाद उनकी वाइफ जेनी ने अपनी खोज को आगे जारी रखा। 1989 आ गया, 89 में, मतलब लगभग 40 साल हो गए, कोई सुराग नहीं मिला। 89 में जेनी की भी मौत हो जाती है, माँ बाप अब दोनों मर गए। उनकी मौत के बाद ही फिर ये होर्डिंग और ये बोर्ड, फिर इसका कोई रखवाला और देखभाल करने वाला नहीं होता, सारे बच्चे तब तक बड़े हो गए, इधर से उधर चले गए, और धीरे धीरे वक्त बीता, 2022 आ गया। जॉर्ज और जेनी के 10 बच्चों में से 5 तो गायब, बाकी बचे 5 एक आर्मी में था, 4 की भी मौत हो चुकी है। अब सिर्फ उनमें से एक, जो सबसे छोटी थी उस हादसे के वक्त, जिसकी उम्र थी 2 साल, सिल्विया, अभी करीब 70 ईयर ओल्ड, बल्कि 75, एक सिल्विया जिंदा बची है अपने 10 भाई बहनों में। और सिल्विया को आज भी वो सारी चीज़ें याद है, जब भी मौका मिलता है वो इस फेयरवेल के घर में जाती है और वहाँ उन चीज़ों को याद करती है। तो पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, 73 साल गुजर गए, 10 परिवार वाला ये पूरा घर, उनमें से एकलौती जो है एक सिल्विया बची है, लेकिन आज भी उन 5 भाई बहनों का जो राज है वो खुला नहीं है। ना ये पता चला कि उनकी आग में मौत हुई, क्योंकि ना हड्डियाँ मिली, ना राख में कोई सबूत मिला, ना ये पता चला कि कौन किसको उठाकर कहाँ ले गया,
न ये पता चला कि किडनैप हुई, न ये मालूम है कि उनको रखा भी गया जिंदा या मार दिया गया। शायद एक साथ 5 बच्चों के गायब होने की ऐसी रहस्यमय कहानी दूसरे इसकी मिसाल नहीं है। सोचिए उन माँ बाप पे, बाकी भाई बहनों पे भी, जो जब तक जिंदा रहे इसी सोच में डूबे रहे और इसी गम में मरते रहे कि पता नहीं उन 5 के साथ क्या हुआ होगा। तो ये थी वो कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले भाई अपना सिलसिला, अंकित राठौर जी का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अंकित राठौर साहब। मनीष जाधव ने भेजा है। इसके अलावा मुबारक उस्मान का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे मुबारक साहब। असगर अली भुज से भेजा है इन्होंने, कोरोना से ठीक भी हुए हैं। राहुल गंगवाल 20th को इनका बर्थडे था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। नितिन काकू भाई ने भेजा है। रोहन राजपूत इनका भी 20 को था, मैं विश नहीं कर पाया तो नाराज़ हो गए हैं। रोहन भाई हैप्पी बर्थडे, नाराज़ ना हुआ करें। इसके अलावा योगिता, इनकी तो 19 को थी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे योगिता जी। और ये अमरमणि द्विवेदी जी ने भेजा, इनकी बिटिया है। मनहीत कौर, इनका भी जन्मदिन 19 को ही था तो हैप्पी बर्थडे मनहीत, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और रणवीर सिंह और राजवीर कौर जी ने भेजा है, ये इनके माँ बाप हैं। रोहन राजपूत, इनका भी जन्मदिन कल गुजर गया, हैप्पी बर्थडे रोहन। तो ब्लडी मैरी की ये कहानी भी सुनना चाहते हैं। दीपांकर बारगोहाई, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे दीपांकर साहब, और शिव सागर असम से हैं ये। सूरज शाह, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सूरज साहब। और मिगमेर, इनकी वाइफ है नेपाल से, उन्होंने भेजा है। एंजल परमार, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे एंजल। और परमार अतुल, इनकी बिटिया, उन्होंने भेजा है। साथ ही तनिष्क रावत, हैप्पी बर्थडे तनिष्क। और शैलेंद्र रावत जी ने भेजा है चमोली से। इसके अलावा आनंद शर्मा जी की मैरिज एनिवर्सरी है तो हैप्पी बर्थडे, इन्होंने अपनी पत्नी का नाम ही नहीं लिखा। अंश एंड स्मिता राय, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। साथ में काजल एंड शुभम, इनकी भी एनिवर्सरी है तो आप दोनों को भी बधाई और आप लोग सब अच्छे रहें। सारिका चौहान जी मेरठ से हैं और इन्होंने एक मेल लिखा था, ये लखीमपुर खीरी में इस वक्त पोस्टेड हैं, वैसे मेरठ की रहने वाली हैं और पुलिस में है, मतलब यूपी पुलिस में है। तो सारिका चौहान जी, यही चाहूँगा कि आप यूपी पुलिस का खूब नाम रोशन करें, खूब मेहनत से काम करें और कभी मौका मिला तो आपसे ज़रूर मुलाकात भी करूँगा। देवेश जोशी जी हैं, थैंक यू आपके मेल के लिए। सुभाष पवार हैं, ये बाला साहब ठाकरे की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा हरिओम कुमार हैं, नमी चंद जाट हैं, फर्स्ट मेल इन्होंने लिखा और मिल गया आपका मेल मुझे। जैनुद्दीन अंसारी हैं, इन्होंने भी लिखा है कि मेल मिलता है कि नहीं, बिल्कुल मिलता है। निशा गुसाई हैं और इन्होंने लिखा कि एक एग्ज़ाम में फेल हो गई हूँ, टूट गई हूँ, पापा को कैसे हैप्पी रखूँ। तो निशा जी यही कहूँगा, ज़िंदगी में एक इम्तिहान कोई माने नहीं रखता, बहुत सारे इम्तिहान है, वैसे भी कहते हैं ज़िंदगी इम्तिहान का ही नाम है, तो एक में अगर नाकाम है तो इसका मतलब दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। फिर से कोशिश करें, फिर से मेहनत करें और इरादा मजबूत हो, नीयत साफ़ हो तो आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं और अपने माँ बाप को खुश भी रख सकती हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं दुनिया में, बहुत सारे जो एग्ज़ाम में फेल कर गए लेकिन वो बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए दुनिया में। तो एक इम्तिहान को ज़िंदगी मत मानिए, क्योंकि ज़िंदगी ही एक इम्तिहान है, तो आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, बस खुद पे भरोसा रखिए आप। इसके अलावा सुधा भार्गव हैं और गौरी लंकेश की कहानी सुनना चाहती हैं। मनीष उपाध्याय जी हैं और ये एंगरसन जेवल थिफ एनकाउंटर की कहानी सुनना चाहते हैं। साथ ही दिशारी विश्वास हैं और इन्होंने भी एक मेल लिखा है कि बहुत लोनली, तनाव में रहती हूँ, कई सारी थोड़ी इशूज़ भी हैं हेल्थ को लेकर और कई बार लगता है स्लो पॉइजन लेके मर जाएं, लेकिन इन्होंने मुझे बड़ा भाई भी माना है। तो दिशारी जी, वही फिर मैं कहूँगा, ज़िंदगी जीते रहने का नाम है, मुश्किलें आती हैं जाती हैं, हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं होती, तो हौसला रखिए, सब एक दिन बेहतर भी होगा और आपसे मैं बात भी करता हूँ फिर। साथ में दीपांकर कुमार रे हैं सिवान से और मिस्टर बीन की स्टोरी सुनना चाहते हैं। प्रेरणा नवरत्न है और इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। शिवम सिंह हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, बेहतरीन से अच्छे से तैयारी कीजिए और सेवा कीजिए देश की। नितिन काकू हैं और इनका कहना है कि मैं यूट्यूब करके खुद की रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, आजकल तो मोबाइल हाथ में है तो समझ लीजिए कि आधे रिपोर्टर तो वैसे ही बन गए आप। इसके अलावा जयदेव गुधानिया जी हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है, इसराइल से हैं। मोहम्मद अफजल हैं, राजकमल जांगिर हैं और इनके बेस्ट फ्रेंड मोनिका चौधरी की शादी है तो बहुत बहुत बधाई आपको पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। अमरजीत सिंह हैं और ये कैनेडियन आर्मी कर्नल
रसेल विलियम्स की कहानी सुना जाते हैं, जिनको शायद दो मर्डर के सिलसिले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है 10-12 साल पहले। चलिए मैं किसी दिन सुनाता हूँ। इसके अलावा अमन गर्ग हैं, और ये शबनम की फांसी का अपडेट, शबनम और सलीम की फांसी में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इनकी मर्सी पिटिशन यूपी के गवर्नर के पास पड़ी हुई है, उसके आगे कुछ नहीं है। मनीष राठौड़ हैं, और ये ब्राज़ील रॉबरी की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा नवीन सिंह देवाल हैं, विजय सेवरा हैं, और ये सोमनाथ में रहते हैं और पूरी क्राइम तक फैमिली को इनवाइट भी किया है इन्होंने, कभी आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा आपसे। इसके अलावा स्वाति हैं, और झांसी की एक स्टोरी की इन्होंने फरमाइश की है। आखिर में श्रीनिवास राव वी विशाखापट्टनम से इन्होंने एक मेल लिखा है। मेल ये है कि एक लड़की है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, वो कॉलेज जाती है, और ये मैं आप लोगों को इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप भी अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो एक लड़की है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, शायद उसका सेकेंड सेमेस्टर है। उस कॉलेज में एक लेक्चरर है जो फर्स्ट ईयर को ही पढ़ाता है, यंग होगा, एज भी उसकी कम होगी, और इस्तेफाक से जिस बस में कॉलेज के ये स्टूडेंट्स जाते हैं उसी में वो लेक्चरर भी जाता है, और वो इस लड़की को लगातार तंग कर रहा था। लड़की अपने घर वालों को नहीं बताती है, कई बार ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक दिन वो लड़की रो रही होती है और उसकी माँ देखती है, तो माँ उससे पूछती है, तो आखिरकार लड़की सारी बात बता देती है। इधर वो अपने दोस्तों से इससे पहले मदद मांगती है कॉलेज में, बताती है कि ये लेक्चरर ऐसे ऐसे मेरा फॉलो करता है या तंग करता है, बट उसके दोस्त उसका साथ नहीं देते, बल्कि वो उसका एक तरह से मजाक उड़ाते, कहते तुम ही बुरी हो। फिर ये बात जब वो बताती है तो फिर ये होता है कि लड़की अब कह रही थी कि मुझे इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करा दीजिए, मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहती हूँ। अब दूसरे कॉलेज में 20 सेमेस्टर में कैसे आप भेज सकते हैं, दो दो सेमेस्टर का नुकसान भी होगा, ये अलग इशू है माँ बाप के लिए भी, फीस भी है, पैसे भी है, करियर भी है। अब उधर ये जब बात चलती है तो बहुत सारे फ्रेंड या कॉलेज के लड़के ही अब र्यूमर फैलाना शुरू कर देते हैं, लड़की और परेशान हो जाती है। लेकिन माँ बाप का ये इंस्ट्रक्शन है कि नहीं तुम अभी कॉलेज जाओ। अब वो इसी माहौल में कॉलेज जा रही है। अब सवाल ये कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। श्रीनिवास राव जी ने मेरी राय ली है, मैं आप सबसे भी राय ले रहा हूँ। मेरी अपनी ये है कि सबसे पहले तो इस कॉलेज के मैनेजमेंट तक ये कंप्लेंट जानी चाहिए। नंबर टू, पुलिस के पास भी ये कंप्लेंट जानी चाहिए, ताकि उस लेक्चरर के मन में भी डर बैठे, और ऐसी कंप्लेंट में अगर आप परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, तो इसमें तो नौकरी भी चली जा सकती है, और नौकरी जानी चाहिए। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, एक तो मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, एक पुलिस से बात करनी चाहिए, और दूसरा मेरा मानना है कि माँ बाप को अपनी उस बच्ची का सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो दोस्त हैं, उनको भी साथ देना चाहिए, ना कि रूमर फैलाना चाहिए, इसलिए कि हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। आज किसी और की बेटी है, कल किसी और की बेटी हो सकती है। तो अगर इसको मिलकर सब एक साथ, अगर सारे स्टूडेंट्स ही एक साथ हो जाएं, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरीके से किसी को तंग करे। मुझे ये लगता है, आप लोगों की अगर इस बारे में सुझाव है तो ज़रूर बताइएगा, श्रीनिवास राव जी के तक पहुँचाऊँगा भी, उनको बताऊँगा भी। तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।